2024 T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड कप के हर सीजन में ऐसा उलटफेर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार के T20 वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड टीम को मात दे दी। इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका और बांग्लादेश की टीम ने भी बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर अमेरिका और पाकिस्तान की टीम के बीच में हुआ। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 159 रन का टारगेट खड़ा किया, लेकिन अमेरिका टीम ने भी रनों का पीछा करते हुए 159 रन बना दिए और सुपर ओवर में यह मुकाबला अपना नाम कर लिया। इस मैच में पाकिस्तान की ओर से उसके कप्तान बाबर आजम ने बहुत ही खराब पारी खेली। बाबर आजम ने इस मैच में 44 बेलों में 43 रन की पारी खेली, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम को पहली बार अमेरिका के हाथों हारना पड़ा। इसके बाद में वर्ल्ड कप का अगला उलटफेर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बीच में हुआ, जहां अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 80 रन से हरा दिया। इस मैच में अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान और फारूकी ने दोनों ने मिलकर 4 विकेट अपना नाम किए, जिसके दम पर अफगानिस्तान ने यह मैच 80 रन से पहली बार अपना नाम कर लिया। इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने भी पहली बार T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की टीम को हराया है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए मैच में 20 ओवर में 124 रन का टारगेट खड़ा किया और बांग्लादेश की टीम ने यह मैच 2 विकेट से अपना नाम कर लिया। तो वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में ही इतना बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जो कि वर्ल्ड कप को और भी आकर्षित कर रहा है। इन तीनों मैचों में से आपको कौन सा मैच सबसे अधिक अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।